आईपीएल का नाम सुनते ही काफी लोगों के दिमागों में बड़े नाम आ जाते हैं, जैसे कि कोहली, धोनी या फिर रोहित शर्मा। लेकिन आईपीएल सिर्फ इन्हीं स्टार्स के लिए नहीं बना हुआ, ये लीग है अनसंग हीरोज के भी, जो कभी हेडलाइंस में नहीं होते पर उनके परफॉर्मेंस टीम के लिए प्राइसलेस होती है। आज हम बात करेंगे आईपीएल के टॉप 10 अंडररेटेड प्लेयर्स के बारे में, जिन्हें उनकी मेहनत का वो फल नहीं मिला जो कि वो डिजर्व करते थे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर एक पर आते हैं अमित मिश्रा। अमित मिश्रा का नाम आईपीएल हिस्ट्री के सबसे सक्सेसफुल स्पिनर्स में आता है। 157 विकेट्स के साथ उनका रिकॉर्ड आउटस्टैंडिंग है। 2013 में उन्होंने 21 विकेट्स लेकर अपनी टीम को काफी मैचेस जिताए थे, पर उनका नाम कभी भी अश्विन या फिर जडेजा जैसे लेजेंड्स के साथ नहीं जोड़ा जाता। आईपीएल में जितने मौके इन प्लेयर्स को मिले हैं या फिर जितना ज्यादा पॉपुलैरिटी इन प्लेयर्स को मिली है, उतना अमित मिश्रा को नहीं मिला, जबकि अमित मिश्रा भी एक बेस्ट ऑफ द स्पिनर्स रह चुके हैं। नंबर दो पर आते हैं सुब्रमण्यम बद्रीनाथ। बद्रीनाथ को सीएसके का मिस्टर डिपेंडेबल कहा जाता था। एमएस धोनी का ग्लैमरस टीम में वो मिडिल ऑर्डर के बैकबोन थे। जब टीम प्रेशर में होती थी तब उनकी काम बैटिंग उनको मैचेस जिता कर दिया करती थी। 95 मैचेस में उन्होंने 1441 रन बनाए हैं। इस स्टैट्स के साथ वो एक मिडिल ऑर्डर के परफेक्ट बल्लेबाज थे, जो कि जब भी टीम को जरूरत पड़ती थी फ्रंट पर आकर बल्लेबाजी करके टीम को प्रेशर से निकाल कर और मैच जिताया करते थे। लेकिन उन्हें उतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली जितनी कि वो डिजर्व करते थे। नंबर तीन पर आते हैं रोबिन उथप्पा। केकेआर के लिए 2014 के सीजन में ऑरेंज कैप जीतने वाले रोबिन उथप्पा कंसिस्टेंटली रन बनाते हुए आए थे। उन्होंने 4700 से भी ज्यादा रन बनाए, लेकिन आईपीएल के सबसे रेलिवेंट परफॉर्मेंस होने के बावजूद भी उन्हें वो प्रायोरिटीज नहीं मिली गई जो कि उन्हें मिलनी चाहिए। ऑक्शन में जिस हिसाब से उनकी बोली लगनी चाहिए वो कभी भी उनको नहीं मिल पाया। जैसे कि बाकी प्लेयर्स को उतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी और साथ ही साथ पैसा मिलता था, लेकिन रोबिन उथप्पा को वो दोनों चीजों में से कोई भी चीज नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से उनका आईपीएल करियर भी इंटरनेशनल क्रिकेट करियर की तरह ही ठप हो गया। नंबर चार पर आते हैं पीयूष चावला, आईपीएल के थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर। उन्होंने 174 विकेट्स लिए हैं। उनकी लाइन और लेंथ, साथ ही कंसिस्टेंसी और इंपैक्टफुल गुगलीज के बावजूद भी उनका नाम कभी भी शेन वॉन या फिर राशिद खान जैसे स्पिनर्स के लेवल पर नहीं लिया गया। वो जब भी ऑक्शन में निकले हैं उनका हरदम प्राइस कम ही हो गया है, और जिस हिसाब से वो गेंदबाजी करते थे उस हिसाब से उनको वो इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है जो कि बाकी प्लेयर्स को मिली है। वो अभी तक के हाईएस्ट विकेट टेकर में से एक रह चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज के समय में उनके बारे में ज़्यादा लोग बात नहीं करते, जबकि वो वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स रह चुके हैं। अपने समय में जिस हिसाब की गेंदबाजी वो किया करते थे उनकी बॉल समझना बिल्कुल भी आसान नहीं होती थी, और वो इसी का फायदा उठाकर विकेट्स निकाल लेते थे। नंबर पाँच पर आते हैं यूसुफ पठान। यूसुफ पठान राजस्थान रॉयल्स और केकेआर के लिए मैच विनर रह चुके हैं। उन्होंने आईपीएल के सबसे तेज सेंचुरीज में से एक मारी है, जो कि उन्होंने मात्र 37 बॉलों में ही लगा दी थी। उनकी ऑलराउंड एबिलिटीज ने उन्हें यूनिक बना, लेकिन वो कभी भी लाइमलाइट में नहीं रह पाए जितना कि बाकी ऑलराउंडर्स या फिर इंडियन प्लेयर्स रहे हैं। उन्होंने कई बार अपनी टीम को प्रेशर में से निकालकर मैच जिताया और एक अच्छे खासे फिनिशर की भूमिका निभाई है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें वो एप्रिसिएशन या फिर वैल्यू नहीं मिली जितना कि वो डिजर्व करते थे। एक समय ऐसा था जैसे कि आज के समय में हार्दिक पांड्या को माना जाता है इंडियन टीम में, वैसे ही यूसुफ पठान हुआ करते थे। नंबर छह पर आते हैं सूर्य कुमार यादव। स्काई को अब ग्लोबल स्टार माना जाता है, लेकिन एमआई से पहले वो अंडररेटेड थे। केकेआर के लिए लोअर ऑर्डर में इंपैक्टफुल नॉक्स देने के बावजूद भी उन्हें कभी भी नेशनल टीम के लिए नहीं कंसिडर किया गया। वो चाहे कितना भी अच्छा परफॉर्मेंस कर ले उन्हें वो वैल्यू नहीं दी जाती थी जो कि उनके टीम में बाकी प्लेयर्स को मिलती थी। इसी कारण उन्होंने इंडियन टीम में बहुत ही ज़्यादा लेट डेब्यू किया। सूर्य जब तक केकेआर में खेलते थे उनको वो इंपॉर्टेंस नहीं मिली थी जितना कि वो डिजर्व करते थे। जब उन्होंने एमआई की तरफ से 2-4 मैचेस खेले उसके बाद उनके बारे में लोगों को जानने को मिला। नंबर सात पर आते हैं राहुल तेवतिया। तेवतिया का नाम 2020 में सबके जुबान पर आ गया था जब उन्होंने पंजाब किंग्स के अगेंस्ट एक इम्पॉसिबल चेस करते हुए 5 छक्के लगाए थे। लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि उनका नाम लेना बंद हो गया? उसके बाद उनको आईपीएल में इतने मौके नहीं दिए गए कि वो अपने आप को और भी ज्यादा प्रूफ करें। उसके बाद वो जीटी के लिए खेलते हुए नजर आए, लेकिन जीटी में उनको इतने मौके नहीं दिए गए जिसकी वजह से वो इंडियन टीम में डेब्यू नहीं कर पा रहे हैं और ना ही उनको ज्यादा मैचेस खेलने को मिल रहे हैं। नंबर आठ पे आते हैं ड्वेन स्मिथ। ड्वेन स्मिथ सीएसके और एमआई के लिए पावर पैक्ड स्टार्ट देने के लिए मशहूर थे। उन्होंने 2376 रन बनाए एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 135 प्लस, लेकिन उनका नाम आज भी स्टार ओपनर के लिस्ट में नहीं आता। उन्होंने कई बार ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए एमआई और चेन्नई की टीम को जिताया भी है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको हरदम एक अंडररेटेड बैट्समैन के तौर पर ही देखा गया है। स्मिथ को उतनी अप्रिसिएशन नहीं मिली जितनी कि वो डिजर्व करते थे। उन्होंने अपनी टीम के लिए वो सब कुछ किया जो कि एक ओपनर बल्लेबाज या फिर एक टीम का प्लेयर करता है, लेकिन उसके बाद भी उनको वो अप्रिसिएशन नहीं दी गई जो कि वो डिजर्व करते थे। नंबर नौ पर आते हैं मनीष पांडे। मनीष पांडे पहले हिंदुस्तानी बल्लेबाज बने जिन्होंने आईपीएल में सेंचुरी लगाई। उन्होंने आईपीएल में 3648 रन बनाए हैं और वो हमेशा मिडिल ऑर्डर में अच्छी खासी बल्लेबाजी करते रहे हैं, चाहे वो केकेआर की तरफ से खेले या फिर सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से खेले।
लेकिन उनको ऑक्शन में वो हाइलाइटेड नहीं मिल पाई जो कि वो डिजर्व करते थे, और साथ ही उनको वो अप्रिसिएशन नहीं मिली जो कि वो आईपीएल में डिजर्व करते थे, जिसकी वजह से उनका करियर ज़्यादा लंबा नहीं टिक पाया, ना ही इंटरनेशनल क्रिकेट में और ना ही आईपीएल में। मनीष पांडे ने कई बार मिडिल ऑर्डर में आकर अच्छी खासी बल्लेबाजी करके अपनी टीम को जिताया भी है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको हरदम एक अंडररेटेड प्लेयर की तरह ही आंका गया है। और नंबर 10 पर आते हैं मोहित शर्मा। 2014 के पर्पल कैप विनर मोहित शर्मा कंसिस्टेंटली विकेट लेते रहे, लेकिन उनका नाम कभी भी स्पॉटलाइट में नहीं रहा। गुजरात टाइटन के साथ उन्होंने 2023 में एक कमबैक किया जो कि पूरे आईपीएल फैंस के लिए एक ट्रीट था, लेकिन उसके बावजूद भी अगले साल उनको ज़्यादा मौके नहीं दिए गए। एक समय था कि मोहित शर्मा इंडियन टीम के लिए भी खेला करते थे और विकेट निकालते थे, लेकिन उसके बाद आईपीएल में अच्छा खासा परफॉर्मेंस करने के बाद भी उन्हें ज़्यादा मौके नहीं दिए गए, और जब भी उनको मौके मिलते थे वो विकेट निकालते थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनको उतना अप्रिसिएशन नहीं किया गया जितना कि बाकी टीम प्लेयर्स को मिला या फिर बाकी बॉलर्स को दिए जाते थे, जिसकी वजह से उनको हरदम अंडररेटेड ही रखा गया। ये प्लेयर्स अंडररेटेड जरूर हैं, लेकिन उनका इंपैक्ट आईपीएल के हिस्ट्री में अमर है। आपका फेवरेट अंडररेटेड प्लेयर कौन है कमेंट में जरूर बताएं।